कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। प्रदेश में 70 लाख, देश में 2 करोड़ रोजगार, प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई। अब कॉमन सिविल कोड की बात ही इसीलिए हो रही है कि जिससे इस देश में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जिनको विशेष अधिकार संविधान में मिले हैं, उनके इस अधिकारों को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश का जनमानस जानता है कि रोजगार और महंगाई की इतनी बड़ी समस्या है, देश लगातार आर्थिक संकट से बदहाल होता चला जा रहा है, लेकिन लोगों को सिर्फ राशन के नाम पर उलझाया जा रहा है, रोजगार और महंगाई पर ध्यान न जाए, इसलिए कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है।